नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश चतुर्वेदी और कौन बनेगा चेयरमैन के खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, निकाय चुनाव अभी चल रहे हैं और प्रत्याशी भी आपके द्वार आ रहे हैं। आप जो है जनहित में वोट जरूर करें और प्रत्याशी को फुल सपोर्ट जरूर करें। जनहित में वोट हम इसलिए करें क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट जब जाएगा जनहित में, तभी एक प्रत्याशी आपके बीच में अच्छा उभर के आएगा। ये वीडियो स्पॉन्सर की है शशि मदन पब्लिक स्कूल मजावली ने। और वही मैं कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वही मैं आज बता दूँ कि आज जो हमारे साथ प्रत्याशी हैं, वे पिछले गत वर्षों से समाज सेवा में लगी हुई हैं और समाज सेवा में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। आज हमारे साथ हैं चंदूसी से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती लता वासनी जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, मैं सबसे पहले आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा ताकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वह आपके बारे में जान सकें। जी, पहले तो मैं चंदूसी की समस्त जनता को नमस्ते कहना चाहूँगी और उनका आशीर्वाद मुझे मिले ऐसा चाहूँगी जी। और मैं लता वासने जी, जी। मेरे पति अखिलेश, मिस्टर अखिलेश कुमार खिलाड़ी जी, जी। कल्लूर वाई फैमिली को बिलोंग करती हूँ जी जी। और मतलब आप शहर में अभी जो है कितने गत वर्षों से मतलब समाज सेवा करती हुई आई हैं? जी, मैं करीब मेरे को जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो 10 साल हो गए जी जी। लेकिन मेरे पति जो है पिछले 25 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में है जी जी। मुझे उन्हीं से ही एक प्रेरणा मिली जी कि जी। मुझे भी मैंने देखा कि बहुत समाज सेवा के क्षेत्र में जाकर बहुत सुकून मिलता है जी जी। रोते हुए बंदे के हाथ में अब चेहरे पे आप मुस्कुराहट ले आएंगे जी जी। तो एक अलग ही जो सुकून मिलता है उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप कहना चाहेंगे कि समाज सेवा जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो समाज सेवा करते हैं वह देखते हैं कि एक चेहरे पर उनके अलग ही खुशी रहती है क्योंकि लोगों की दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, तो इसका भी अपना अलग महत्व है। अलग महत्व है, मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि समाज सेवा एक मुख्य भूमिका है जिससे लोग खुश रहते हैं और अपने समाज में आकर एक लोगों से जुड़ते हैं जी। तो लता जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जो समाज सेवा में अब तक की आपकी उपलब्धियां हैं, लगभग आप पिछले 15 वर्ष से सेवा करती आ रही हैं समाज सेवा में, वह क्या क्या उपलब्धियां हैं अब तक की आपकी? जी, मैंने एक जगह जगह जो यूपी में मेरी ब्रांच खुली हुई है समाज सेवा की जी जी। तो उसके थ्रू हम जैसे गरीब बेटियों की शादी करानी है जी जी। या किसी जो बीमार है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, उसका ट्रीटमेंट अपने खर्चे पे कराना है जी जी। जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं उनको पढ़ाई का हम मतलब जैसे जो कोई अनाथ बच्चा है उसका भी आप सेवा करती हैं जी। पूरी पढ़ाई का खर्चा हम जब तक वो बच्चा पढ़ेगा जी जी तो हम लोग उसे पढ़ाते हैं जी जी। और खाने पीने की चीजें तो खैर वो होती हैं जी जी, वो तो उसका तो खैर कुछ वो नहीं अलग है सिस्टम जी। और जो भी मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी हमसे हेल्प होती है, कोई अगर आता है हमारे पास तो हम उसके हर संभव प्रयास यही करते हैं कि वो मुस्कुरा कर ही लौटे, मतलब उसके हाथ निराशा नहीं लगे जी जी। तो लता जी, जैसे मैं देख रहा हूँ आप जो है अभी मैदान में निर्दलीय आई हैं, आपको क्या लगता है कि सत्ताधारी भाजपा पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा, आप इन सब पार्टियों को मैदान में जो है टक्कर दे पाएंगी? जी भैया, मैं टक्कर तो किसी को नहीं देने आई हूँ जी जी जी, क्योंकि ये मेरा, मैं एक सामाजिक हूँ जी जी। और राजनीति में भी मुझे इसलिए आना पड़ा कि समाज सेवा में हम बहुत से कार्य कर सकते हैं जी जी। लेकिन समाज सेवा में रहते हुए भी बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे कि सड़क है जी जी, तो हम सड़क वगैरह हम कुछ नहीं बनवा सकते जी। तो उसके लिए मुझे कलम की जरूरत होगी जी। तो मैं अपनी चंदौसी की जनता के कहने पर ही उन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, आप आइए, निर्दलीय आइए, हम आपके साथ हैं। तो उन लोगों के कहने पर ही मैं उनकी उम्मीदों को देखते हुए मुझे आना पड़ा राजनीति में, और बस लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं उस विश्वास को टूटने भी नहीं दूंगी जी जी। लता जी, जैसे हमें ज्ञात है कि आपने जो है भाजपा से सिंबल मांगा और कहीं ना कहीं वहाँ से भाजपा से आपको निराशा हाथ लगी और अब आप निर्दलीय मैदान में उतरी हैं, आपको लगता है जनता आपको चुनेगी अपने नेता मानेंगे? जी, जैसे कि भैया मैंने पहले बताया आपको जी कि जी। जनता के कहने पर ही मैं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि जी। चंदौसी की 99% जनता मेरे साथ है जी जी। और उन लोगों के कहने पर ही मैं राजनीति में आई हूँ, क्योंकि जी। उन लोगों को मुझसे उम्मीद है कि मैं अच्छे से अच्छा जो नगर पालिका में काम होते हैं अच्छे से भ्रष्टाचार को मिटाऊंगी और अच्छे से अच्छा काम करूंगी। तो मैं अपनी और जो जनता है जिन्होंने मुझे इस पर मुझ पर विश्वास किया है और उनको पता है और उनको मैं बताती भी हूँ, उनका विश्वास टूटेगा नहीं। लता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चंदौसी के जो है जनता है उसमें किस वर्ग से आपको ज़्यादा सहयोग मिल रहा है?
मुझे तो हर वर्ग से सम्मान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सहयोग क्योंकि मिल रहा है। जी, और सभी भाई बंधु जितने भी हैं मेरे जी, जी, वो जी। सभी लोग मेरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं और उनको देख देख के जो मुझे एनर्जी मिल रही है क्योंकि जी, अभी मैंने सुबह मैं कन्वेंशन में जाती हूँ, रात तक जाती हूँ, तो मुझसे लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि आप थक जाती होंगी, मगर नहीं मैं थकती नहीं हूँ, आप लोगों से मुझे जो एनर्जी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक पॉजिटिव वे में आपको कार्य करने के लिए क्षमता दे रही है कि जी। तो लता जी, जैसे मैं देखता हूँ आए दिन देखता हूँ कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल हो जाती है और जो समाज में लोग रहते हैं उन्हें समस्या हो जाती है, और जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं इसलिए वो हड़ताल करते हैं, तो आप उसे किस नज़रिए से देखेंगी और उनका जो निदान है वह किस प्रकार करेंगी? भैया देखिए, सभी की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे कि मेरी नॉलेज में आया था कि जो सफाई मेरे कर्मचारी भाई हैं जी, जी। उनको तनख्वाह नहीं मिली थी जी। तो आप समझ सकते हैं कि तनख्वाह से ही घर का खर्चा चलता है, रोजी रोटी चलती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तो मेरे हर संभव यही कोशिश रहेगी कि अपने जो भाई हैं मेरे सफाई कर्मचारी उनको समय पर वेतन दिया जाए और उनको कोई परेशानी ना हो। जब उनको समय पर वेतन दिया जाएगा तो वो और खुश होकर दुगने उत्साह से काम करेंगे। मतलब किसी को हम समय पर कोई चीज देंगे जी तो कहीं ना कहीं वह जी और बल्कि दुगने उत्साह से वो काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं मेरे भाई वो जी, मेरे जी। साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा लता जी, मैं जानना चाहूंगा जैसे अभी आप जीत जाती हैं तो जीतने के बाद जो है आपके विकास कार्य कौन कौन से रहेंगे? जी, मेरे विकास कार्य सबसे पहले तो जो सड़क है जी, उसे जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं गिर कर चोटिल हो जाते हैं, चोट लग जाती है जी, जी। उनको परेशानी होती है, तो एक सड़क को भी मुझे अच्छा बनवाना है जी, जी। और जैसे अब गर्मी का मौसम है जी, क्योंकि जी। वैसे जाड़ों में भी प्यास लगती है, बिल्कुल। तो मेरा सब ये भी रहेगा कि जगह जगह मैं अपनी पानी की टंकियां, जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे पानी की टंकियां लगवाऊं मैं जी, जी। और एक लाइट, अब जैसे लाइट मैं कन्विंसिंग जी भैया मैं कन्विंसिंग के लिए जा रही हूँ तो गलियों में क्या रोडों पर भी लाइट की कोई उचित व्यवस्था आप देख रही है अभी शहर में? आप जब डीपली गई है, मतलब जब कैंपेन में ज्यादा डीपली जाते हैं और देखते हैं कि आपने देखा कि लाइट की और सड़क की पानी की ज्यादा बहुत कमी है उसकी, तो लाइट की भी व्यवस्था। और एक और भैया कि जैसे जो सार्वजनिक स्थान है जी जी और जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा रहती है जी जी, तो मेरी इच्छा यह है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिससे कि अपराध पर भी अंकुश लगेगा। अपराध पर भी, मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि उनका भी डाटा रहे थोड़ा सा और उससे अपराध ना बढ़ पाए, मतलब शहर आपका एकदम सुरक्षित रहे। अच्छा लता जी, जैसे आप जीत जाएंगी, अध्यक्ष बन जाएंगी, उसके बाद जैसे आपने कोई 5 कार्य सोचे हो चंदौसी की जनता के लिए कि ये चंदौसी में ज्यादा अति आवश्यक है? भैया जैसे मैंने पिछली बार भी बताया आपको जी, पीछे बताया आपने मैंने, तो जैसे सड़क की समस्या है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो जैसे जल भराव का जो समस्या होती है उसकी समस्या है, उसका निदान कराना है, और जो भी संभव होगा हर कोशिश मेरी यही रहेगी चंदौसी को अच्छे से अच्छा शहर बनाए। रुकते हैं साथियों अभी 1 मिनट के लिए और अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हम हैं शशि मदन पब्लिक स्कूल, जहां है 16 एकड़ में फैला विशाल कैंपस, अनुभवी अध्यापक, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, विशाल कंप्यूटर लैब, एवी क्लासरूम और वे सभी आधुनिक सुविधाएं जो कि आपके बच्चे का अच्छा भविष्य निर्धारित करती हैं। स्कूल में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों को 21वीं सदी की शिक्षा पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे खास एपिसोड कौन बनेगा चेयरमैन में। तो लता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप निर्दलीय आए हैं अभी और निर्दलीय आने के बाद आप अभी जनता के बीच में जा रही हैं, तो किस प्रकार आपकी कैंपेनिंग चल रही है और कैसे आप जनता से जुड़ रही हैं? जी, निर्दलीय के रूप में मुझे जो मेरा चुनाव चिन्ह है वो सितारा मिला है जी जी, और मैं अपने सभी भाई और बहनों से यही अपील कर रही हूँ कि जैसे एक सितारा चमकता है जी जी, वैसे ही मुझे चंदौसी को भी चमकाना है, और बस मुझे वोट दें, सपोर्ट दें, आशीर्वाद दें जिससे कि मैं अपने चंदौसी को एक सितारे की तरह चमका सकूं जी जी, और उसे स्वच्छ और साफ छवि का बना सकूं जी जी, यही मेरी कोशिश रहेगी भैया। ठीक है, रुकते हैं साथियों अभी कुछ देर के लिए, मिलते हैं अभी आपसे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब जानते हैं लता जी से अंतिम सवाल। लता जी, मैं आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूँगा कि जैसे एक चंदौसी की जनता नारा दे रही है और कहीं ना कहीं आपके जो मतलब कैंपेन करने जाते हैं वो भी एक नारा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी एक नारा दे रही हैं कि चंदौसी में नेता नहीं बेटी आई है, तो आप इसे कैसे मॉडिफाई करेंगी? मतलब जी, जो ये नारा चल रहा है वो वास्तव में सच चल रहा है जी, क्योंकि नेता जो होता है वो किसी का प्रिय नहीं होता, एक बेटी सबकी सबकी प्रिय होती है। जैसे कि एक बेटी परिवार में रहकर अपने परिवार लोगों का ध्यान रखती है और उनका सम्मान करती है, ऐसे ही मैं अपनी चंदौसी की जनता जो मेरा परिवार है उनको उनका ध्यान रखूंगी और उन सबको सम्मान करूंगी, सम्मान की दृष्टि से देखूंगी और बस संभव यही होगा कि मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा और एक बेटी के रूप में ही मैं उनके बीच हमेशा रहूंगी। जी जी, मतलब आप मानती कि एक बेटी के रूप में ही आप उनकी सेवा करेंगी, क्योंकि बेटी एक आपका मानना है कि बेटी एक घर के लिए ज्यादा अच्छी तरीके से जी, और मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक सामाजिक हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ जी जी, तो सामाजिक में मेरा परिवार की तरह ही सब लोग रहेगा चंदौसी जी जी जी, और बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि जैसे मैं बेटी की तरह ही सबके साथ रहूं और उनकी समस्याओं का निदान करूं। जी जी, मतलब आप मानती हैं कि सबके साथ में रहना और उनकी समस्याओं को सुनना फिर उनका निदान करना, एक बेटी की तरह जैसे बेटी एक घर को जोड़कर चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में कौन बनेगा चेयरमैन, और हम जो है आपके अग्रिम जीत की बधाई देते हैं। कहीं ना कहीं आप एक अपना परचम लहराएंगी चंदौसी में, धन्यवाद भैया, ये हम आशाओं के साथ में आपको बधाई देते हैं। और आप हमारी जनता से जो देख रहे हैं लोग उनसे कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी जी जी, कि मुझे अपना आशीर्वाद वोट के रूप में दें जी जी, और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ जी जी, जितने भी जो भी संभव प्रयास होगा मेरा चंदौसी को चांसी बनाने का जी जी, तो मैं वो कोशिश करूंगी चांसी बने, क्योंकि पहले चंदौसी चांसी हुआ करती थी जी जी, लेकिन अब जो है चांद तो गायब हो चुका जी जी, बस नगरी रह गई, नगरी वो भी गड्ढों भरी। तो मेरा हर संभव यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी चांदी नगरी को दोबारा से चांदी बनाऊं जी जी, और इसलिए मुझे आपका सहयोग, जनता का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए और वोट एंड सपोर्ट चाहिए। वोट एंड सपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।